हो गई। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी सचिन पायलट के आवास पर पहुंचे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, टिकट के दावेदारों ने उन्हें घेर लिया। सभी दावेदारों ने अपने बायोडाटा उन्हें थमाए। इस दौरान रामेश्वर डूडी ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की और बोले कि उम्मीदवार चयन का काम अंतिम दौर में है, यानी कि 24 से 48 घंटे में तकरीबन 100 से अधिक, उम्मीद की जा रही 150-160 सीटों पर जो कैंडिडेट हैं वो अनाउंस हो सकते हैं, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं है। आपको बता दें, जिताऊ और कर्मठ कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा, ये कहना है रामेश्वर डूडी का। युवाओं और महिलाओं को भी टिकट मिलेंगे। और इसके अलावा क्या कुछ कहा रामेश्वर डूडी ने, आप सुनिए। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी सचिन पायलट के आवास पर पहुंचे, उनसे बातचीत करते हैं। सर, अब 12 नवम्बर से नॉमिनेशन शुरू है, तो तेज कर दिया उम्मीदवार चयन का काम? देखो, उम्मीदवारों का जो है प्रक्रिया चालू है और उसमें जल्दी से जल्दी हमारे उम्मीदवार तय होंगे। हम सब बैठ के और बहुत ही सकारात्मक हमारी जो है मंथन रहा और उसमें अच्छे जिताऊ टिकाऊ और कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाने का काम जो है कमेटी करेगी। देर रात भी सर टिकटों को लेकर मंथन चला? अब ये 2 टिकटों के मंथन का है, इसलिए हम सब मिल के एक अच्छे सोच के साथ में अच्छे उम्मीदवार देने का हम पूरा प्रयत्न कर। राहुल गांधी ने युवा और महिलाओं को टिकट देने की बातें कही। ये तो राहुल गांधी ने पब्लिक मीटिंग के अंदर भी कह दिया था कि युवाओं को और महिलाओं को पूरा प्रतिनिधित्व पार्टी के अंदर दिया जाएगा और अच्छे युवा जो कांग्रेस के लिए रात दिन काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पसीना बहा रहे हैं, उनको आगे लाने का काम करें। तो युवाओं और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाएगा राजस्थान विधानसभा चुनाव में, ये कहना है रामेश्वर डूडी को। तो रामेश्वर डूडी को दावेदारों ने यहाँ पर काफी तादाद में जो है घेर लिया और उन्हें कह रहे हैं कि हमारी आप सिफारिश करें। कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा के साथ दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, दिल्ली।